राजद के स्मार्ट सिटी मीटर संबंधित आरोपों पर बिजेंद्र यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर से जगदानंद फायदे में हैं। ऊर्जा विभाग के मंत्री बिजेंद्र यादव ने बताया कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह प्रीपेड मीटर उखाड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो खुद इसका उपयोग करते हैं। मंत्री ने कहा कि जगदानंद सिंह घर में प्रीपेड मीटर लगवाकर फायदे में हैं। उनके बिजली बिल में 17% की कमी आई है। साथ ही कहा कि विरोधियों का काम है आंदोलन करना, मेरा काम बिजली घर पहुंचाना है। जो लोग काम नहीं करते वो आलोचना करते हैं। मीटर को लेके बवाल खड़ा हुआ था। कल राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम आंदोलन चलाएंगे, 1 अक्टूबर से सभी जगहों पर स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। देखिए, जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था सरकार पे। अब उनको जवाब देने के लिए बिजेंद्र यादव जो विभाग के ऊर्जा विभाग के माननीय मंत्री हैं, वो उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया है और साफ साफ कड़े लफ्जों में कह दिया है कि स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि जगदानंद सिंह जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका अगर पिछले बिल की तुलना किए जाए अभी के बिल से, तो उनका खुद का बिल 17% कम आया है। तो ये बड़ी बातें विजेंद्र यादव ने कही और क्या कुछ कहा है, देखिए विजुअल्स। तीसरा बिल श्री दिवाकर सिंह जो उनके लड़के हैं, उनका थोड़ा अधिक है, बट वो कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है, उसका मीटर से कुल मिलेगा। अर्थात उन्होंने बिजली का अधिक कंजम्पशन किया है, अधिक यूनिट का खपत हुआ है, इस कारण से अधिक बिल हुआ है। हाँ, 17% कम हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग ईमानदारी पूर्वक, 50 लाख लोगों के घर में 2 करोड़ से के करीब कंजम्पशन का उपभोक्ता है, 50 लाख लोगों के घर में जब लग चुका है, अगर गड़बड़ी होती तो तूफान मचता। ये तो राजनीतिक द्वेष के चलते आपस में कुछ न कुछ लोगों को भरमाने के लिए। अच्छा, शहर में बिजली स्मार्ट मीटर लग चुका है तो शहर में बिजली नहीं ज्यादा आ रही है बिल, और गांव में कहां से ज्यादा आ जाएगा। काहे को नाराजगी है, जो लोग गलत खपत करते हैं, इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं, बिल भुगतान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में नाराजगी है। आपने केंद्र सरकार का एग्जांपल दिया, लेकिन महाराष्ट्र में इसको बंद कर दिया गया है। अभी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अभी लगना ही शुरू हुआ था, बिहार 7-8 राज्य के लोग आए थे, बिहार पहला स्टेट है। गुजरात में स्टेटिक पर रोक दिया गया है, अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में इसको रोक दिया गया। छोड़िए क्या रोका गया नहीं रोका गया, हमारे यहाँ तो 50 लाख लग चुका है, हम तो 1900 से शुरू किए। लोग जनता विरोध कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगा चाहिए। तो हम लोग सरकार में आने से विरोध करके नहीं आया, हम लोग आए हैं। लोकतंत्र में विरोध होता है, लेकिन जब मोबाइल में बिल ज्यादा नहीं आता तो मशीन कहाँ से बेईमान हो जाएगा, उसमें ज्यादा बिल आएगा। लेकिन सर, जो ऊर्जा विभाग के कर्मचारी मीटर लगाने गाँव में जा रहे हैं, उनको खदेड़ दिया जा रहा है, विषय आपके चिंता का विषय तो है नहीं। मीटर लगाना बंद होगा या फिर कोई बंद होने की बात नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 25 तक कंप्लीट कर दिए जाए। फ्री बिजली के हम लोग पहले से ही खिलाफ हैं, अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, और जो बिल जाता है उस पर लिखा रहता है कि बिल कितना आया, सब्सिडी उसमें कितना। राजद 1 तारीख से इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है, तो दूसरे 2 तारीख से कांग्रेस आंदोलन कर रही है। राजद तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन कर रही है, तो भ्रष्टाचार हुआ कैसे। तो सर, आप इनके एक्ट को जस्टिफाई, अब प्रचार करने भी लोग जाते हैं तो बमबारी होती है, प्रधानमंत्री पे भी गोली चली थी, अभी राष्ट्रपति को उम्मीदवार है अमेरिका में, उसमें गोली नहीं चली, वो एक अलग राजनीतिक विरोध है। सर, एक मैसेज क्या जाएगा, जिस बिहार में लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, वहां पर जो एमडी है आपके विभाग के, उनको डिपेंड लगाने वाली कंपनी गिफ्ट में कार देती है। कौन सी गिफ्ट में कार देती है, इसका कोई सबूत है क्या। जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ टेंडर का, हाई कोर्ट में निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ, तो आप लोग भी कुछ लोग भी आप लोगों को भी कुछ लोग बुके देता है तो क्या हो गया। वो
फिर भाई फालतू बड़ा बात है सर, समस्या ये होती है कि उसके लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। उसके लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो आपने ये बात कही कि जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है उसमें रिचार्ज कराने के बाद भी कुछ समय उसको कनेक्ट होने में लग जाता है, इसको हम लोग निराकरण कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ही सप्ताह 10 दिन के अंदर सॉफ्टवेयर में जो थोड़ा बहुत समस्या था उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, सप्ताह 10 दिन के अंदर इसका निराकरण हो जाएगा। आगे से बात नहीं है, पूरे बिहार में हंगामा करेंगे। करें, मैं बता रहा हूँ कि 50 लाख कंज्यूमर के घर में लग चुका है, अगर गड़बड़ी होती तो भयंकर आंदोलन होता। सर गड़बड़ी की समीक्षा होगी क्या? निश्चित तौर से शिकायत होगी। सर आप भी मीडिया में हैं, कहीं कोई त्रुटि हो जाती इसको करेक्शन नहीं करते हैं, वो तो स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं होता, कहीं कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, वहाँ शिकायत आती, शिकायत दूर करने के लिए सिस्टम डेवलप हुआ है। सप्ताह में 2 दिन हमारे ऑफिसर जो हैं लोगों के बीच में मीटिंग भी कर रहे हैं, मंगलवार शुक्रवार को निराकरण भी कर रहे हैं। सर, अच्छा एक चीज और 3 महीना से अधिक बिल अगर एडवांस लोग जमा करता है तो बैंक में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा हम लोग उसको छूट देते हैं, दो गुना। सर कोई कह रहा है कि मीटर उठाकर फेंक देंगे, ऐसे में क्या कार्रवाई की जा सकती है? जो कानून में प्रोविजन है सरकारी संपत्ति के क्षति का, जो कानून में प्रोविजन है कार्रवाई करेगी की जाएगी। अभी कांग्रेस अध्यक्ष आप ही का ये छीन ले कोई तो क्या करिएगा, एफ आई आर कीजिए, कार्रवाई होगी ना। अच्छा पोस्ट पेड, अच्छा सरकारी अफसरों को फ्री क्यों दिया जाता है 200 यूनिट? सरकारी अफसरों को क्यों फ्री दिया जाता है, जो सरकार का निर्णय है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अडानी से महंगी बिजली खरीद कर बिजली विभाग उपयोग कर रहा है। वो जो कंपनी स्मार्ट मीटर लगा रही है ना उसमें हम बिजली नहीं खरीदते हैं, हम लोग बिजली NTPC से खरीदते हैं या मार्केट से भी खरीदते हैं, बेचते भी हैं। अडानी का महंगा कोयला खरीद कर बिजली कंपनी बिजली बना रही है, कांग्रेस ने ऐसा आरोप। हमारे यहाँ तो जनरेशन की सारा चीज हम लोगों ने भारत सरकार से लिया है। सर कि साइबर फ्रॉड, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। कुछ आरोप लगते हैं कि कंपनी बना के हम लोगों ने इसको प्रॉफिट कमाने के लिए, गरीबों को शोषण करने के लिए बनाया, इसलिए समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पार्लियामेंट बनाता है और ये देश फेडरल स्ट्रक्चर का देश है। पहले बिजली बोर्ड भी ऑटोनमस बॉडी था, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में परिवर्तन हुआ तो उसको होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो 110 मेगावाट की 2 यूनिट बरौनी में और 110 मेगावाट की 2 यूनिट मुजफ्फरपुर में हिस्से में मिली। आज जो लोग कुछ सवाल उठाते हैं कि अपना पावर क्या हो, अपना प्रोडक्शन कितना होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है तो किसी भी राज्य में अपना पावर हाउस नहीं होता है, पहले से था लेकिन कोयला आता है भारत सरकार से, रेल है भारत सरकार का। आते ही हम लोगों ने 2000 मेगावाट नबीनगर में, 500 मेगावाट बरौनी में और 400 मेगावाट मुजफ्फरपुर में बनाने का काम प्रारंभ किया। कालांतर में जो लोग पुराने लोग हैं वो जान रहे होंगे कि 60% से अधिक उत्पादन नहीं होता था बिहार में, आंदोलन हर बात यूनियन तो हम लोगों ने उसको भारत सरकार के NTPC को सपोर्ट कर दिया, 80% पावर के साथ एग्रीमेंट हुआ। दूसरी बात, एक आरोप ये भी लगा कि कंपनी के द्वारा शोषण किया जा रहा है, हम लोगों ने कंपनी को दिया, शुरू हुआ मीटर लगाने का काम कैसवी में, पीके सिन्हा साहब 19 में शुरू हुआ तो डिपार्टमेंट अपना करती थी, कंपनी करती थी, इधर हम लोगों ने आकर के टेंडर किया,
डिटेल बता दीजिए टेंडर का। टेंडर में 5-6 कंपनियां आई। टेंडर का नियम यह है कि कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाएगी और जब बिल उसका आएगा उसमें से 10% होल्डिंग कंपनी उसको भुगतान करेगी अगले 10 साल तक, और 10 साल तक उसको गारंटी है मेंटेन वगैरह वही करेगा। इसीलिए कंपनी को बेचने का ये आरोप जो है निराधार है, तथ्यहीन है, कोई मतलब नहीं है। उसमें 6-7 कंपनियां आई, टेंडर डिसाइड हुआ, हाईकोर्ट चले गए एक कंपनी, हाईकोर्ट ने कहा कि टेंडर करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट गई, 9 महीने की देरी हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया इस आधार पर। इसलिए इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, गंदी बातों को प्रचार करना तथ्यहीन है, कोई औचित्य इसमें नहीं है। अब मीटर जो कंपनी लगाएगी वो पैसा नहीं लेगी लोगों से, केवल प्रत्येक घर में मीटर स्मार्ट मीटर लगाएगी और बिजली बिल तो उसमें आएगा। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, मोबाइल में जब ज़्यादा बिल नहीं आता है तो स्मार्ट मीटर में कैसे ज़्यादा बिल आएगा।